नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। आज हम सफारी की कटिंग करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सफारी सूट। सफारी सूट काटने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम शर्ट की तरह काट देते हैं और उसमें दो पॉकेट, तीन पॉकेट लगा देते हैं, दो नीचे बड़ी पॉकेट, एक ऊपर छोटी पॉकेट, और ओपन कॉलर बना देते हैं, तो सफारी सूट बन जाता है। अब क्लाइंट तो ये समझता है कि ऊपर का शर्ट और नीचे पैंट को सेम कपड़े में पहनने से सफारी सूट बन जाता है। सफारी जो कटेगी वो कोट कटिंग में कटती है। जो कोट काटना जानते हैं वो काट सकते हैं सफारी सूट। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा मेजरमेंट है, 26.5 लंबाई है, 34 इंच चेस्ट है, 32 इंच वेस्ट है, 36 इंच हिप है और 14 इंची गला है। ये मेरा ही मेजरमेंट है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 26.5 है। सबसे पहले हम बैक काट रहे हैं, तो बैक की लंबाई हम रखेंगे 26 इंच। शोल्डर डाउन हमें करने हैं 1.25 इंच। अब यहाँ जो हमें इसको नीचे उतारना है, हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा ले लेते हैं। शर्ट में हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये तो हो गया हमारा शोल्डर डाउन करने का, तो हमें यहाँ से लेना है सीने का छठा हिस्सा। यहाँ से सीने का छठा हिस्सा, ये हमारा उठ जाएगा 5.5 के आसपास। एक दो सूत ऊपर नीचे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लगाना है पेट का निशान। ये हमें लेना है 19 का हाफ करना है। यहां से लेकर यहां तक 19 होगा, 9 × 2 = 18, 19। इसके 2 इंच ऊपर हमें लेना है। ये हो गया हमारा लंबाई का निशान। ये हो गया, हमने शोल्डर डाउन किया है 1.25 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिया है सीने का छठा हिस्सा, और यहाँ से इसका हाफ करके यहाँ से यहाँ तक इसको हमने 2 इंच ऊपर लिया है। हाफ यहाँ तक होता है, इसके बाद 2 इंच ऊपर लेना है। अब सफारी काटने के लिए एक साइड चाक अगर हमें बनाना है, तो हम कोई शेप नहीं देंगे, इसको डायरेक्ट यहीं से काट देंगे। साइड चाक हम बनाएंगे तो, और अगर हमें सेंटर कास्ट देना है, सेंटर में अगर कट देना है, तो उस हिसाब से कटेगा, तो हम इसको सेंटर में कट देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से
हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। और इसको मिला देना है इस तरीके से। ये जो पॉइंट निकला है इसको हल्की सी शेप दे दीजिए। ठीक, गला है हमारा 14 इंची, तो गले का छठा हिस्सा हमें लेना है। ये हमने लिया है 2.5 इंच और इसको हम 1 इंच ऊपर चढ़ा देंगे। ये हमारा 1 इंच हो गया। यहां से एक सिलाई नीचे उतार के हमें इसको शेप देनी है। इस तरीके से। ठीक, अच्छा, शोल्डर है हमारे। साढ़े सोलह यहां से हमें शोल्डर लेना है। 8.25 हम यहां रखेंगे। ये शोल्डर हो गया, ये मार्जिन हो गया। ठीक, 8.25 प्लस मार्जिन। अब हमने इसको 1 इंच ऊपर उठाया है, इसको भी हम 1 इंच ऊपर उठा देंगे यहां से। यहां से 1 इंच ऊपर उठा देंगे। ये मिल गया। अब हमें यहां से जहां हमने मार्जिन के साथ ये जो निशान लगाया है, यहां बिल्कुल स्क्वायर को यहां रख के एक निशान यहां लगा लेंगे और इससे 1.25 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे। ये जो 1.25 इंच अंदर हम निशान लगाते हैं ये सब में लगेगा, इसमें कोई हिसाब नहीं है। कोट में भी ऐसे ही लगता है। और इसको हम मिला देंगे। ठीक, अब ये जो निशान हमने लिया है इसी की शेप में यहां से हमें दूसरा निशान लगाना है। बिल्कुल इसी की शेप में हमें इस निशान को लेना है। जैसे ये आएगा वैसे ही ये आएगा। अब ये निशान जो है हमारा यहां से यहां तक है 7.25, यहां से यहां तक 7.25 है। तो हम इसको 7.25 रखेंगे। जितना यहां से यहां तक है उतना ही हम यहां से यहां तक रखेंगे। उसके बाद हम इसको मिला देंगे, थोड़ी सी राउंड शेप देके मिलाएंगे। और ये जो पॉइंट निकल जाता है इसको हम हल्की सी इस तरीके से शेप दे देंगे। इसको हम यहां से इतना तो हमारा सिलाई में दब जाएगा, यहां से यहां तक ये 6 इंची के आसपास आ रहा है, तो हम इसके सेंटर में 3 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक का निशान हो गया। दोबारा फिर समझा देता हूं। यहां से यहां तक लंबाई का निशान है, यहां से यहां तक शोल्डर डाउन किया है। शोल्डर डाउन जितने भी होंगे ये आपको देखना है कि अगर ऊंचे शोल्डर हैं तो 1.5 इंच डाउन करना है कि 1.25 इंच करना है, या ज्यादा डाउन है तो 2.5 इंच करना है, वो आपको देखना होगा। मैंने 1.25 इंच डाउन किया है। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक हमें सीने का छठा हिस्सा लेना है। यहां से यहां तक छठा हिस्सा लेना है और बिल्कुल सीधा निशान लगा करके
पौना इंच अंदर लेकर के इसको मिला देना है, ठीक है। और फिर इसी सीध में यहाँ से यहाँ तक तो हमने ले लिया सेंटर लेकर के 2 इंच ऊपर, उसके बाद इसी सीध में हमें इस निशान को लेना है और फिर जितना ये है उतना ही यहाँ से यहाँ रख कर हमें इसको मिला देना है। ये आसान तरीका है। साइड चाक हमें खोलना है यहाँ तक, ये हमने खोला है 8 इंची, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे नीचे आ जाए। अभी से हम उड़ा देते हैं। इसमें मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। इस लाइन पर इसको रख लेंगे हम बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल सीधा, और इससे आधा इंच ऊपर हमें बैक को रखना है। ये लंबाई का निशान है सामने का, ये बैक का है, और फिर हम इसके बिल्कुल सीधे निशान लगा लेंगे जैसे इस पे है। इस तरीके से इनको मिला देंगे हम बिल्कुल। ये जो निशान है इससे हमें एक लाइन 1.5 इंच नीचे भी खींचनी है। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमने रखा था 2.5 इंच, इसकी टीक रखी है 2.5 इंच, तो हम इसमें 0.25 इंच ही छोड़ देंगे। ये जो 0.25 इंच है ये हमारा काज बटन में जाता है। उसके बाद हम यहां से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहां से अगर हमें शर्ट कॉलर बनाना है तो हम 2.5 इंच उतारेंगे, और अगर ओपन कॉलर बनाना है तो हम इसको थोड़ा ज्यादा उतारेंगे, 2.75 इंच हम इसको उतारेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, और यहां तक हम इसको ओपन करेंगे। यहां से हमें 0.25 इंच पीछे इस जगह एक सीधी लाइन खींच देनी है। हमारा जो फोल्ड होगा ये कॉलर वो इसी लाइन पर होगा। उसके बाद हम इसका शोल्डर नाप लेंगे 6.5,
तो यहाँ से हमें 6.5 पर निशान लगा लेना है। एक निशान बिल्कुल हमें सीधा लगाना है इस जगह पर। ये हो गया, यहां से यहां तक लंबाई ले ली है हमने। ये हमने 1.25 इंच डाउन किया है, बैक में भी और फ्रंट में भी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमने लिया है 2.5 इंच। ये हमने छोड़ा है 1.25 इंच एक्स्ट्रा। यहां से यहां तक हमने उतारा है 1.75 इंच, और ये हमने उतारा है 3 इंच, और यहां से 1.25 इंच हटा करके हमने एक लाइन खींच दी है। अब यहां से हमें लेना है 1.5 इंच पीछे, इसको शेप देनी है। इससे पहले हम इसे नापेंगे, ये जो बैक है हमारी, यहां से हम नापेंगे इसको, ये आता है 7.75 इंच मार्जिन छोड़ के। इस मार्जिन को छोड़ देंगे और यहां तक हम नापेंगे, 7.75 आता है। इसका भी हम मार्जिन छोड़ के, ये 6 इंच ही आता है। इसका भी हमें मार्जिन छोड़ना है, ये 7.75 था। इसको हम लिख लेंगे यहां पे। ये चेस्ट का है, ये पेट है, ये हिप है। हमें इसकी लूजिंग रखनी है 3.5 इंची, तो हम 3.5 इंची का निशान लगाएंगे यहां पे। यहां भी 3.5 इंच पर लगाएंगे और यहां भी 3.5 इंच पर लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद ये 7.75 हमने जो बैक नापी है, 7.75 को हम यहां रख देंगे इस जगह पर। और उसके बाद में जितनी हमारी चेस्ट है, हमारी 34 इंच चेस्ट है, तो हम 17 पर निशान लगा देंगे, चेस्ट का हाफ। ठीक, अब जो पेट है हमारा, 6 इंच बैक नापी थी, तो 6 इंच को हम यहां रख देंगे। 32 इंच हमारा पेट है और 32 इंच हमारी चेस्ट है, तो हम 32 इंच पर यहां निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 7.75 इंच हमारा हिप आया था, तो 7.75 को हम यहां रखेंगे और हिप पर निशान लगा देंगे 36 इंची पर। 18 दूनी 36, इस जगह पर। उसके बाद हम निशानों को मिला देंगे। इस निशान को हम ऊपर तक ले सक ले लेंगे इस तरीके से। इसी सीध में हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। यहां से हम 1.5 इंच अंदर ले लेंगे और इसको हमें शेप देनी है। इस तरीके से। इसके बाद हमें 1 इंच नीचे उतारना है इसको। और यहां से इसको शेप देनी है इस तरीके से। ऊपर की जो पॉकेट का निशान लगेगा, उस सामने से 2.5 इंच पर लगेगा। हम 4 इंच का मुंह रखेंगे इसका, और नीचे जो पॉकेट लगेगी वो हम 2 इंच ऊपर रखेंगे इससे, और सामने से हम इसको रखेंगे 4 इंची।
छः इंची का मुंह रखेंगे हम इनका। पॉकेट कट तो डिजाइन जैसे आप डालना चाहे डाल सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया, अब इसे हम काट देते हैं। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक हो गई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल हम इसका आस्तीन काटेंगे। अभी आपने देखा सफारी की बैक और फ्रंट कैसे काटा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखा रहा हूँ पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रिचेस, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।